संग्राम 2022 कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश का सिंहासन। चुनावी संग्राम का बिगुल बज चुका है। पिछले 3 बार से उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश के विकास और सुरक्षा के उद्देश्य पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। सपा बसपा और भाजपा तीनों पार्टियों के शासनकाल को देख चुकी जनता पूर्ण अनुभवी हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा किसी भी कीमत में सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन बसपा और सपा सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा यूपी संग्राम 2022। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पत्रकारों से लेकर आम जनता में चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी जमीनी राजनीति न करने के चलते हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बसपा की वापसी नामुमकिन है। यह भी कहा जा रहा है कि बसपा का बेस वोट बैंक सपा और भाजपा में जा सकता है। मायावती द्वारा अपने संगठन के लिए लिए गए सख्त निर्णय बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुराने गिले शिकवे और पूर्वाग्रह के इतिहास को बुलाकर संविधान का पालन करते हुए मायावती ने बड़ा दिल का परिचय दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर सब समाज के दबे कुचले और गरीब पीड़ितों के हितों में सरकार बनाने का निर्णय भी बसपा प्रमुख मायावती को फायदा नहीं पहुंचा पाया, लेकिन परिस्थितियां राजनीति के माहौल को बदल देती हैं। सूत्रों की माने तो अपने मान सम्मान के लिए ब्राह्मण समाज बेचैन है। ब्राह्मण समाज का बसपा से पुराना नाता रहा है। 2007 में ब्राह्मणों के गठबंधन के बलबूते बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और मायावती ने ब्राह्मणों को विधायक मंत्री बनाकर दिल खोलकर सम्मानित किया, लेकिन भाजपा योगी सरकार में ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किसी से छिपा नहीं है। चाहे वह विकास दुबे का चर्चित प्रकरण हो या फिर ब्राह्मणों को उचित सम्मान न देना। ब्राह्मण समाज के संगठनों का मायावती से संपर्क साधना दलित और ब्राह्मण गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए बैठे हुए हाथी को मरा हुआ समझना गलती होगी। सूत्रों की माने तो सर्व समाज के हित के लिए बसपा प्रमुख मायावती ब्राह्मणों के वोट के सहारे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर अपने विरोधियों को चौंका सकती है। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की जिम्मेदारी बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा अपना चुनावी संगनाद राम की नगरी अयोध्या से करने जा रही है। इस पहली चुनावी जनसभा का सारथी सतीश चंद्र मिश्रा को बनाया गया है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बसपा का पुराना नारा हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश की गूंज सुनाई दे सकती है। अगर बसपा का दलित और ब्राह्मण गठबंधन का फॉर्मूला सफल हुआ तो मायावती की वापसी धमाकेदार होगी।